चारों तरफ रात का भीषण सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के सभी लोग अपने घरों में गहरी नींद सो रहे थे। तभी ललिता, बबीता और सरिता नाम की तीन चुड़ैल अपने भयानक अवतार में आकर अपने पति से कहती है, आइयो पटियाल पति देव, हम तीनों शिकार पर जा रही हैं। अरे ललिता, कैसे बातें कर रही हो, जानती नहीं क्या, ये हम तीनों के पति परमेश्वर हैं। तभी तो इस पति परमेश्वर को अब तक हमने ईश्वर के पास नहीं पहुँचाया। ये कहकर तीनों चुड़ैल हवा में उड़ती हुई गांव के सुनसान सड़क पर खड़ी होकर लोगों के आने का इंतजार करती हैं। तभी गांव में रहने वाला हरिया को आता देखकर तीनों चुड़ैल इंसानी भेष में आकर उसे घेर लेती हैं और हरिया कहता है, अरे भाभी जी, आप तीनों घर पर होने की बजाय इतनी रात को यहाँ क्या करत हैं? तीनों चुड़ैल अपने भयानक रूप में आकर कहती हैं, भाभी जी घर पर नहीं है क्योंकि चुड़ैल भाभी जी सड़क पर है। अरे मैया मर गया रे, अरे ये तीनों तो चुड़ैल हैं, अब क्या करूं? मरने के लिए तैयार हो जा। तीनों चुड़ैल हरिया को पकड़कर हवा में उड़ती हुई घर के अंदर लाकर पटकती हुई कहती है, अरे पतिदेव कहाँ मर गए, जल्दी से नींद खोल और टेबल साफ कर, हमें इसका शिकार करना है। अभी करता हूँ, कैसी चुड़ैल पत्नियाँ मिली हैं, मुझे रोज रात को धमकाती हैं। शुक्र मना कि हम चुड़ैल होकर भी तुझे सिर्फ धमका रहे हैं, बाकी पत्नियों की तरह तेरा खून नहीं पी रहे। ब्रजेश, तेरी तीनों पत्नियाँ चुड़ैल है, हे राम। बहुत जोर चला रहा है, हरियो ललिता सरिता टेटुआ दबाओ इसका। तीनों चुड़ैल उसकी गर्दन दबोच कर मार देती हैं और टेबल पर उसकी लाश के टुकड़े करके खाने लगती हैं, जिसे देखकर ब्रजेश कहता है, जी जी, कैसे जानवरों की तरह उसे खा रही हैं, न जाने इन चुड़ैल पत्नियों का साया मेरे सिर से कब हटेगा। मस्त मस्त है इसका। क्या हुआ पतिदेव, धड़कने बढ़ रही है, आजा मेरे राजा तुझे हेवन दिखाऊं मैं। चल अब चलकर हमारी टांगे दबा, हम तीनों थक गई हैं। ना जाने ऊपर वाले ने किस घनघोर घड़ी में मेरे भाग्य रेखा में इन तीन चुड़ैल पत्नियों को खदेड़ दिया। तो क्या हुआ जो हम चुड़ैल हैं, पर है तो तुम्हारी पत्नियां ही। पतिदेव, तुम अपनी तीन चुड़ैल पत्नियों के टुकड़ों पर पल रहे हो, हमारे गरीब पतिदेव। इस तरह तीन चुड़ैल पत्नियों का बेचारा गरीब पति रात भर उनकी शान नवाजी करता है और सुबह होते ही तीनों चुड़ैल इंसानी रूप में आ जाती हैं। तभी गांव में रहने वाली झुमरी उनके घर आती है और कहती है, अरे ब्रजेश भैया, ये का गरीबन जैसन हाल बना लिए हो, तीन पत्नियों के रहते हुए भी सूखे कांटे के जैसे होते जा रहे हो। आपकी तीनों पत्नियां चुड़ैल बनकर आपका खून पियत है का, या फिर खाना नहीं देते हैं? अब ऐसा कुछ नहीं है, मेरी पत्नियां तो साक्षात गौरी पार्वती और सती का अवतार है, वो बस कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही इसलिए जरा सा शरीर ढीला पड़ गया है। बात खत्म करके झुमरी अपने घर चली जाती है और फिर से रात होती है। तभी चुड़ैल भयानक रूप धर कर कहती है, उस डुमरी झुमरी को हमारे पति पर बड़ा तरस आ रहा था, चलो आज उसी को खाकर अपना पेट भर ले। अरे ओ प्यारे पति देव, जल्दी से फर्श पर पड़े इन खून के धब्बों और हड्डियों को साफ कर दो, तब तक हम नया शिकार लेकर आते हैं। तीनों चुड़ैल उड़कर झुमरी के घर में घुसकर उसे नींद में ही उठाकर लाकर पटक देती हैं। तभी उसकी नींद खुलती है और वो करहाती हुई कहती है, हाय री मोरी अम्मा, ये कौन चुड़ैल हमका जल्लाद की जैसन धोबी पछाड़ मारी, आज इस झुमरी को झूम झुमा कर मारेंगे। हाय हो दादा, ये ब्रजेश भाई साहब की तीनों पत्नियां चुड़ैल में कैसे बदल गई। अरे झुमरी, मेरी तीनों पत्नियां चुड़ैल ही हैं और मैं इनका गरीब पति हूँ। झुमरी झुमरी, तुझे हमारे गरीब पति की बड़ी चिंता हो रही थी। तुझे क्या लगता है कि हमें हमारे गरीब पति की कोई चिंता नहीं? अगर चिंता नहीं होती तो कब का चिंता से चिता तक का सफर तय कर चुके होते। पर फिर हम सोचते हैं कि हमारे लिए खाने का टेबल कौन साफ करेगा, हमारे उल्टे पैर कौन दबाएगा। अरे बंद करो इसकी सास, भूख के मारे पेट में हाथी के बच्चे खलबली मचा रहे हैं। तीनों चुड़ैल अपने पति के सामने उसे मौत के घाट उतार कर खा जाती हैं और ऐसे ही हर रात वो गांव के लोगों को मौत के घाट उतारने लगती हैं, जिस कारण गांव अब आधा खाली हो चुका था। ये देखकर गांव के सरपंच सभी घरों के मुख्य इंसान को बुलाकर पंच सभा रखते हैं और कहते हैं, गांव में जो चल रहा है वो किसी से नहीं छुपा, पर आखिर लोग जा कहां रहे हैं ये पता लगाना है, किसी को अगर किसी पर कोई शक है तो वो बेझिझक बोल सकता है। सरपंच जी, मुझे ब्रजेश की तीनों पत्नियां बहुत अजीब लगती हैं, मुझे शक है कि कहीं वही लोगों को मार रही हों।
ब्रजेश, क्या अनीता की बातों में सच्चाई है? सच खुलता देख ब्रजेश डर कर हकलाती जुबान से कहता है, नहीं तो। इसकी हकलाती जुबान और कांपते हाथ पैर देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है। बताओ ब्रजेश, तुम क्या छुपा रहे हो? आज मैं सब कुछ बता दूंगा। धौलपुर गांव में रहने वाला ब्रजेश एक समय पर काफी धनी और समृद्ध था, पर उसके जायदाद पर तीन बहनों की नजरें गड़ी हुई थीं, जो कहती हैं, इस अमीर बंदे को मैं प्यार के जाल में फंसा कर रहूंगी, मैं तो सीधे से शादी करूंगी और इसकी जमीन जायदाद की हड़प कर अपने नाम कर लूंगी। देखते हैं तीनों में से कौन इस रईस के दिल पर पहले काबू करता है। तीनों बहनें षड्यंत्र रचकर उसे अंजाम देती हैं और सबसे पहले उससे शादी करती हैं बबीता, जिसके बाद उसकी दोनों बहन का आना जाना वहाँ लग जाता है और ब्रजेश उनकी तरफ भी आकर्षित होने लगता है। और ब्रजेश कहता है, बबीता, तुम्हारी बहन ललिता मेरे दिल में बस गई, इसलिए मैं उससे भी शादी करना चाहता हूँ। मेरी बहन से शादी करके आप खुश होते हैं तो मुझे क्या एतराज। ब्रजेश ललिता से शादी कर लेता है और फिर वो दोनों जाल बिछाकर नींद में सोई ब्रजेश के पास इस बार सरिता को भेज देती हैं। और अगले दिन सरिता रोने का नाटक करती हुई कहती है, आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, अब मैं कहाँ जाऊंगी, कौन अपनाएगा मुझे। सरिता, मुझे कुछ भी याद नहीं कल रात क्या हुआ, पर अगर मैंने गलती की है तो तुमसे मैं शादी करके उसका प्रायश्चित करूंगा। तीनों बहनें ब्रजेश की अमीरी को देखकर एक एक करके शादी रचा लेती हैं और धोखे से उसे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा कर कहती हैं, अब इस पूरे जमीन जायदाद की मालकिन हम तीनों बहनें हैं, अब से तुम तीन पत्नियों के गरीब पति हो। अरे स्वामी चौंकिए मत, हम तीनों अलग होकर भी एक साथ थी। तुम तीनों ने मुझे धोखा दिया। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और ब्रजेश को अपने ही घर में गरीब नौकरों की तरह खाने को मिलता है। एक दिन वो गुस्से में बौखलाकर उनके खाने में जहर मिला देता है, जिससे खाते ही उसकी तीनों पत्नियां मर जाती हैं और चुड़ैल बनकर वापस आती हैं। क्या सोचा था, हम तुम्हें छोड़ देंगी, सात जन्म का साथ है हमारा, अब हमसे उलझने की भूल या हमको चरणों की धूल समझने की गलती मत करना, वरना तुम्हें धूल में मिला देंगे। और तब से मरने के बाद भी मेरी तीनों चुड़ैल पत्नियां हर रोज मुझे खौफ में रखती हैं। चुड़ैलों से निजात पाने के लिए सभी एक शक्तिशाली बाबा को लेकर आते हैं। रात होने के साथ बाबा चुड़ैलों के पास आकर कहते हैं, बस तुम्हारा खेल यहीं समाप्त। अरे ये जंडू बाम कौन है? राड़नाथ, तुम अपनी चुड़ैल पत्नियों को मारना चाहते हो? यहाँ से जाने का क्या लोगे? पहली बात तो हम यहाँ से जाना नहीं चाहती, और अगर मजबूरन जाएंगी तो अपने गरीब पति की जान लेकर जाएंगी, क्योंकि ये हम तीनों की मौत का जिम्मेदार है। सभी पत्नी अपने पति की लंबी उम्र मांगती हैं और मेरी चुड़ैल पत्नियाँ मेरी जान मांग रही हैं, मुझे गरीब बनाकर भी चैन नहीं है। तीनों चुड़ैल ब्रजेश पर धावा बोलकर उसे मारकर उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर गायब हो जाती हैं।